ప్రిపరేషన్ ఫర్ ఇంటర్వ్యూ, సాక్షాత్కారకి తయారీ. ఫ్రెండ్స్, యే జో విషయ మేనే చునా హై ఆప్కే లియే, యే కేవల్ ప్రశాసనిక సేవాఓ కే సాక్షాత్కార కే తయారీ సే హీ సంబంధిత నహీ హై, అపితు హమారే జీవన్ మే సాక్షాత్కార పల్ పల్ పే హోతే. चाहे हम किसी कॉरपोरेट हाउस में जा रहे हैं, चाहे परिवार के साथ ही क्यों न बैठे हों, कोई नवीन व्यक्ति कोई सामने आता है या नवीन परिस्थिति जब सामने आती है, उससे हमारा साक्षात्कार ही तो होता है. और उस साक्षात्कार में हम किस प्रकार से सफलतापूर्वक निकल आते हैं, वही तो सफलता का मूल मंत्र है. तो इसको मैं एक जनरलाइज वे में आपसे बात करना चाहूँ. हालांकि है ये विशिष्ट वाली बात कि ये प्रशासकीय सेवाओं की तैयारी, साक्षात्कार की तैयारी की बात है, पर आप कृपया उसको उस प्रकार भी लीजिएगा. क्या हुआ कि जब रिटर्न के अंदर जब लिखित परीक्षा हमारी हुई थी, मुझे ध्यान पड़ता है कि लिखित परीक्षा में 4 लाख प्रतियोगी बैठे थे और उसमें से 22 लोग ही मात्र, या इस 22 से 40 लोग ही प्रशासकीय सेवाओं में आते थे. अब 4 लाख के मुकाबले 22 में आना, तो सबसे पहले तो प्रयत्न यह किया कि आत्मविश्वास को सातवें आसमान पे ले जाए. वो हुआ उस मेहनत से, उस तहखाने के अंदर रोज 18 घंटे पढ़ाई करने से. तो रिटर्न में पास हो गए. अब हो गए तो ये हमारे लिए प्रसन्नता मिश्रित आश्चर्य का विषय था. लेकिन साथ में जब इंटरव्यू की डेट आई, तो मैं आपको बता रहा हूं कि जब साक्षात्कार होता है तो आपको कई लोग अपनी अपनी सलाह देंगे. भारत के अंदर या कहें तो संसार में कहीं भी राय बहादुर बड़े मिल जाते हैं. आपको बड़ी बड़ी राय देंगे, जैसे शायद उन्होंने कभी इंटरव्यू दिया हो या नहीं दिया हो, लेकिन राय बहादुर बड़ा बनते हैं. अब मुझे जब बताया गया आपको इंटरव्यू के लिए आप जाएंगे, तो देखो भाई, वो यह पूछेंगे कि तुम कितनी सीढ़ियाँ चढ़ के आए हो, फिर वो पूछेंगे कि पीछे की दीवार का कलर कैसा है. मैंने सबकी सुनी. देखो, सुनो सबकी, करो मन की. मैंने तो अपना ये लक्ष्य बोल दिया कि हे ईश्वर, ये पतवार तो मैंने हटा, क्योंकि मेरी मेहनत पूरी है. ये नाव मैंने नदी में डाल दी है, पतवार खोल के रख दी है, मेरा बेड़ा पार लगाओ. हे ईश्वर, आप जिस भी, चाहे किसी धर्म के व्यक्ति हैं, ईश्वर में विश्वास रखिए, जिस धर्म को आप मानने वाले हैं उस पर विश्वास रखिए, और अपने मेहनत के बल के ऊपर साक्षात्कार की तैयारी के लिए जाइए. अच्छा, एक चीज और बता दूं आपको, जो इंटरव्यू ले रहा है, चाहे वो कॉरपोरेट वर्ल्ड का है, चाहे वो किसी जगह का है, वह आपका शत्रु नहीं है. वह तो यह जांच रहा है कि आप उस पोजीशन के लिए फिट हो या नहीं हो, क्योंकि रिटर्न में तो वो आपके ज्ञान को देख चुका है, आपके ज्ञान को परख चुके हैं वहां पे. अब आप पे लीडरशिप क्वालिटी कितनी है, आपा तो नहीं खोते हैं, कहीं आप कल्पना की बातें तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आप झिझक तो नहीं रहे हैं, कहीं परिस्थितियों से आप घबरा तो नहीं रहे हैं, वह सारी चीज़ तो, क्योंकि आपके पास में, चाहे उस कंपनी हो, चाहे वो ज़िला हो, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, उसको पूरा नेतृत्व देना होता है आपको. और उस नेतृत्व को देने में यदि असफल हो गए, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का तो भट्टा बैठना निश्चित है. इसीलिए मैंने इस बात का पूरा पता लगा लिया था. मैं अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ में बैठा इंटरव्यू में जाने के. तो ये तैयारी वाला पार्ट हुआ. अब आप ये देखिए कि मैं जो ही वहां पहुंचा, मैं बहुत बहुत कम उम्र का था, बहुत ही, तो मुझे देखते ही इंटरव्यू बोर्ड के सदस्यों ने, में से एक ने कहा कि आप तो बहुत छोटे हो, क्या अफसरी करोगे. मैंने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि मैंने जीवन में ये मूल मंत्र समझा हुआ है कि तुरंत प्रतिक्रिया देना स्वयं को मुश्किल में डालना है. तुरंत प्रक्रिया सिर्फ दो जगह देना, फ्रेंड्स, दो जगह. यदि आपका अंगारे पे पांव पड़ जाए, या फिर आप किसी मुश्किल या आपातकालीन स्थिति में पड़ जाओ, चाहे वो गर्ल्स के लिए असहजता की स्थिति हो, या बॉयज में कोई आग लग जाए, कोई डूबने वाले, वहां तो आपको तुरंत प्रतिक्रिया देनी है. लेकिन इसके अलावा जहां विश्लेषण की आवश्यकता हो, वहां तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी है. तो मैंने जब ये सवाल सुना कि आप तो बहुत छोटे हो, क्या अफसरी करोगे, तब तो मैंने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देके विश्लेषण किया, और फिर मैंने जवाब दिया कि सर, क्योंकि इतिहास का विद्यार्थी था, मैंने कहा 13 वर्ष की उम्र में अकबर भारत का सम्राट बन गया था, और 14 वर्ष की उम्र में बाबर ने फरगना जीत लिया था, तो इस उम्र में मैं एक प्रशासन तो कर ही सकता हूँ, एक क्षेत्र विशेष का. उनको बड़ा आनंद आया. क्यों? वो इसीलिए कि आपने बिना आपा खोए, You took your time.
और ये सोचा कि वह जवाब दिया जाए जो उनको नाराज भी नहीं करे और जो सत्यता पे आधारित अर्थात आपकी निर्मलता आपकी सत्यता की सदैव विजय होना निश्चित है। उसके बाद जब इंटरव्यू चला, ऐसा नहीं है मुझे ऐसा सवाल उन्होंने पूछा कि जिसका जवाब मुझे नहीं आता था, तो वहाँ पे उलझुल जवाब देने अथवा सामने वाले को बेवकूफ़ समझने की कोशिश करना की बजाय आप बता दें कि मुझे ये नहीं आता। मैंने स्पष्ट विनम्र सम अत्यंत विनम्रता बहुत बड़ी चीज़ है, वचने का दरिद्रता, अरे भाई बोली में किस बात की दरिद्रता। तो मैंने उनसे कहा, श्रीमान मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता, यदि आप बता देंगे तो मेरी जानकारी में ये जुड़ जाएगा और मैं आपका आभारी रहूँगा। आप ये देखिए कितने प्यार से उन्होंने मुझे उसका जवाब दिया, अर्थात साक्षात्कार करने वाले आपके मित्र बन जाएंगे। और फिर धीरे धीरे तो साक्षात्कार ऐसे चला है, ऐसी ठंडी हवा की तरह चला है और 45 मिनट तक मैं तो जैसे आनंद के हिलोरे लेता रहा। उसमें योजनाएं भी पूछी गई, करंट अफेयर्स भी पूछे गए और कुछ समस्याएं रखी गई जिसका व्यावहारिक हल क्या हो सकता है। तीसरी बात यह कि वह समस्या जो आपको पूछी जा रही है उसका व्यावहारिक हल बताओ। आसमान से तारे तोड़ने वाली अगर बात कर लोगे, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, वो सब जानते हैं, आपसे ज़्यादा बुद्धिमान है, आपसे ज़्यादा दुनिया उन लोगों ने देखी है। इसीलिए ऑलवेज ट्राई टू हेट गिविंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, कभी गलत इन्फॉर्मेशन देने की चेष्टा न करें। नहीं आ रही है तो बता देंगे साहब नहीं आ रहा है, आपको अवश्य इसके अंदर सफलता मिलेगी ऐसा मेरा मानना है। और आप सभी जीवन के किसी भी क्षेत्र के अंदर आप जहाँ भी साक्षात्कार आप देने जाएंगे, क्योंकि आप विधाता की विशिष्ट और अनुपम कृति हैं, आप में योग्यता है, अतः आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। हाँ, हो सकता है कि एक बार यदि आप असफल हो जाएं तो शायद आपका कोई दूसरी सफलता राह देख रही है और उसके लिए प्रयत्न करना प्रारंभ कर दीजिए। ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक।